कैसी? यार चोरी तो नहीं हो गया? कौन कौन कर सकता है ना चोरी? कौन? मैं ना मामा जी ने मम्मी जी के रूम चो बाहर आंदे देखा सी, उन्हां दे हाथ चो पुछदा सी जो लुकाउण दी कोशिश कर रहे सी। पोंपी मामा जी किधर से कह भी रही थी कि पोंपी मामा जी कुछ लुका के पास ही रहने, पर जब मामा जी ने हार चोरी किया होता तो कदे भी हॉल वाला नूं पच के ना आते, हॉल दी बजाय कितने होर जाते। फिर होर कौन हो सकता है जो नागमणि नूं चोरी कर सकता है? कौन हो सकता है कि नागमणि पोंपी मामा जी ने ही चोरी की हो? चेता होया ना तो उन्होंने हूं तक मम्मी जी ने भी दस दिता होना है। मम्मी जी नागमणि की मदद के नाल मेरी बच्ची का पता मिल गया तो मैं अपने बच्चे तक कहीं पहुंच ही नहीं सकूंगी। ये बच्चे को मार देंगे। नहीं मां, ये सब मेरी वजह नाल होया। इसे नागमणि ये तक रखनी नहीं चाहिए थी। हूं मैं अपने बच्चे तक कदे नहीं पहुंच सकूंगी मां, कभी उन्हें छू नहीं सकूंगी, इवन कभी महसूस नहीं कर सकूंगी मां, कदे अपने सीने नाल नहीं ला सकांगी मां। ये बच्ची दा मैनू मिलना एक सपना बन के रह जाएगा। मेरे नाल ये तो क्यों हो रहा है मां? जद जद भी मैं अपनी बच्ची वाला एक कदम उठानी हो मेरे तो 10 कदम दूर चली जाती है। क्यों मां, मेरे नाल ये तो क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? दीदी ने मैनू ऐदा इस पेंडेंट के बारे पूछा कि तो ऐदा तो नहीं कि मामा जी ने नयन दीदी का पेंडेंट चोरी करके मंदिर च रख दिता होवे? नयन दीदी ये पेंडेंट तुहाडा है? जे हुणे दे नाल बहस कीती तां देर हो जाएगी, पहला इस नागमणि नूं बिल तक पहुंचाने। नहीं ये पेंडेंट मेरा तो नहीं है, पर तेरे गले च जच रहा सी इसलिए तेनू पूछ रही सी। ओ चलो बैठे बिठाए पेंडेंट मिल गया मैनू। जब तक मामा जी पेंडेंट देखणगे ओदो तक तां मैं सब नू विखा के वावा लुट चुकी आवांगी। ए नयन ने नीलम नू झूठ क्यों किया? ये पेंडेंट तां एदा ही है, किते नू पता तां नहीं लग गया कि ये नकली है? किते ने कोई दृष्टा नहीं देख लिया? माता नैना देवी दी जय। मां नैना देवी पंडित जी, बड़े सही टाइम ते आ गए, पूजा शुरू होने लगी है, आ जाओ। सारे भगत आरती करने लिए खड़े हो जाओ। जी पंडित जी।
बोलो नाग देवता दी जय। जयकारा मां नैना देवी दा बोल साचे दरबार की जय। सहदेव नीलम हुण तुसी भी आके दूध चढ़ाओ। चल नीलम आपा भी अगे जाके दूध चढ़ाई। नहीं मैं नहीं जाना, नाले ये सब च ना मैनू कोई इंटरेस्ट नहीं है। जे तू मेरे नाल अगे जाके दूध नहीं चढ़ाना ना तो मैं समझांगा कि तेनू अनिका दी कोई परवाह नहीं है। ते हुण फिर अनिका जिहदे कोल मर्जी जावे तेनू कोई फर्क नहीं पैना चाहिए। ठीक है मैं चलती हूँ। देवांश ते नयन हुण तुसी दोवे अगे आके दूध चढ़ाओ। जी पंडित जी। देवांश जी ਤਾਂ ਨੀਲਮ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਪੈਂਡੈਂਟ? ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਇਸ ਪੈਂਡੈਂਟ ਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹ ਪੈਂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਸਲੀ ਪੈਂਡੈਂਟ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। इसलिए मैं इनू ए पेंडेंट नहीं देंगी। ए पेंडेंट मैं तेनू देता देंदी पर तेनू रवान च जो मेनू स्वाद आंदा है ना वो किसे होर काम च नहीं आंदा। वैसे भी ए पेंडेंट मांग के ना तू गलती कर दिती, हुण तां मैं तेनू बिलकुल भी नहीं दवांगी। मम्मी जी मैं कह रही हां इनू दो इधर फड़ा ले ले फड़ ले ले फड़। नीलम तो इतनी दूर बैठी है फिर उसका पेंडेंट शीशे से कितना नजर आ रहा है। तिवांशी तिवांशी वो नागमणी है जो मैंने गुरुजी ने दिते सी
ते गुरु जी ने मेनू यह कहा कि यही नागमणी मेनू मेरे बच्चे तक पहुंचाएगी, मेनू मेरे बच्चे का पता दसेगी वह कौन है कित्थे है। इसके बारे च मैं पहला थोनू इसलिए नहीं दसिया क्योंकि मैनू डर सी कि जे मैं थोड़े ये बारे च दस दाँगी तो तुसी किसी मुसीबत च ना पै जाओ। मामा जी मम्मी जी रूम चो बाहर आंदे देखा सी, उन्होंने हाथ चो कुछ ता सी जो लुकाउन की कोशिश कर रहे सी। मैं कहा सी ना मैं डॉक्टर नूं बुलाने जा रहा, वो किट्टी कह रही सी तबीयत खराब है ना। किट्टी बिल्कुल ठीक है, मैं आप उहदा फीवर चेक कीता। जे ऐदा दी गल है फिर चल फिर करे चलदे इकट्ठे। इहदा मतलब नकुल नयन दा ही पेंडेंट चोरी करके भज रहा सी, पर जे मैं गल नयन नूं दसी तां रीटा नूं पता लग जाएगा कि मेरी याददाश्त नहीं गई, फिर मेरी जान नूं खतरा हो जाएगा, फिर मैं अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकांगा। आखिर कौन हो सकता है जिन्हें पेंडेंट घरों चोरी करके इतने सब की बिल चलको दिता। मामा जी की लगो रहे हो? कुछ भी तो नहीं। पता लग गया कि पेंडेंट किन्ने चोरी किया है। किन्हें किता चोरी? ओहो तुसी इन्नी छेती भूल गए, मैं तुहानू कहा सी ना कि मैं मामा जी ने कुछ लुको के लेके जांदे देखिया सी, पर उदो मेरी गल दा किसी ने यकीन नहीं किता, पर हुन मैनू पूरा यकीन है कि पेंडेंट मामा जी ने चोरी किता है। हे कोई ता ने जिन्हां नूं नियंदी हर एक चीज ना प्रॉब्लम हुंदी है। किट्टी बिना सोचे समझे कुछ भी ना बोली जा, तेरे कोल की सबूत है कि ये पेंडेंट पोंपी ने चोरी कीता सी? की तू ओनू ओ पेंडेंट चोरी करदे होए वेख्या सी? की तू ओ पेंडेंट ओदे हाथ विच वेख्या सी? नाले जे पेंडेंट पोंपी ने चोरी कीता हुंदा तां कि ओ लिया के ते बिल विच रख दिंदा। दिवांश कि तन्नू भी यही लगदा है कि ये पेंडेंट पोंपी ने चोरी कीता? नहीं। लगता किसी ने नहीं देखा। पेंडेंट तो मामा जी ने ही चुकया सी, पर फिलहाल मैं उन्हां दा नाम किसी नूं नहीं दसांगी, बल्कि ये तो चंगा मौका है उन्हां नूं ब्लैकमेल करके उन्हां तो पैसे लेने दा। ये किसी होर दा काम है, हो सकता है पेंडेंट चोरी करने वाला पेंडेंट नूं इत्थे सुट्टण वाला। दोवे वख-वख बंदे होण। ते भी हो सकदा कि चोर साडे नहीं कोई होवे। तेनू की लगता? हाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना चोर बाहरों करे अंदर आया होवे।
नैन कितने गुआच की? नैन नैन की होया तू इन्नी हैरान क्यों लग रही है? नयन कि तेनू नागमणि नाल कुछ पता लगे है? नयन अचानक की होया ते उधर की देख रही है? तेरे एक बार कहन ते नागराज जी ने दर्शन दे दिते ने, असी अजिहा चमत्कार जिंदगी च कदे नहीं देखिया। शायद इस वेले नयन तो कुछ भी पूछना ठीक नहीं है, मैं बाद गल कर लवां। नयन तू सच्ची कमाल है, हनिका फिर तेरे को आंदी चुप हो गई है, तेरी गोदी च ता देख कितनी हंस रही है। नयन तेन एक गल नहीं समझ आई, तेरे तो इलावा सारे दी गोदी च जांदे क्यों रोन लग जांदी है? तो लगदा जद तू ही इहदी असली मां है। की नाम है बेटी दा? अनिका। मैं थोड़े बड़े बड़े बच्चे मारी गल कर रही हूं। तेरी चोली हरी परी है। तेरा एक बच्चा खून दे नेड़े है ते दूसरा दूध दे नेड़े है। हां नैन तू जुड़वा बच्चा नु जन्म दिता सी। जो कुछ भी लभ रही है वो तेरे आले दुआले है। चुप हो जा बच्चा, क्यों रो रही है? नीलम लगता है इन भूख लगी है। इतने दिनों तो सहदेव जी बहुत परेशान घूम रहे सी। हो सकता है उन्होंने इनविटेशन कार्ड के अंदर वो हॉस्पिटल की रिपोर्ट पाई हुई जिहड़ी परमीत कौर के हाथ लग गई, तो उन्होंने मैनू मेरे जुड़वा बच्चों के बारे च दस दिता। तुसी अनिका नूं दुध पिला दोगे? एक्चुअली नीलम सो रही थी ते इनू बहुत भुख लगी है। भाभी जदों तक नीलम दा पैर ठीक नहीं हो जाता अनिका नूं तुसी संभालो। मेरी तबीयत थोड़ी जी खराब क्यों हो गई? नयन दीदी ने मेरी धी नूं अपनी बनाउण दी साजिश शुरू कर दित्ती। बस नीलम बस, हुण चुप कर जा। अनिका तेरी धी नहीं है, सो तू प्लीज अपना मुंह बंद रख। नयन भाभी नूं अपना फर्ज आराम नाल निभा दे। उस दिन हस्पताल दे विच डिलीवरी वेले भी सहदेव जी ही सी। दिवांश जी तक खून का पता करन बाहर गए हुए सी। एदा मतलब मेरी धी नूं मेरे तो दूर करन वाला होर कोई सहदेव सी, पर वो मेरे नाल एदा क्यों करेगा? स्टीफन गाओ तो आग। जीवन जीवन तुसी की कहने की कोशिश कर रहे हो? मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा, ते मेरे ते भरोसा रखो। थानू इत्थे मैं कुछ सोच समझ के रखा है। अस्पताल दे विच थोड़ी जान नूं खतरा सी, उत्थे थोड़े नाल कुछ भी हो सकता सी, इसलिए पंडित जी दा घर थानू रखने लई सब तो सेफ सी। पहले पंडित जी थोड़ी हर एक निक्की तो निक्की चीज का खास ध्यान रखणगे, ते रखदे भी होणगे। मेरी दित्तिया दवाइयां तो तुसी लै रहे हो ना? चलो हुण तुसी आराम करो। अनिका त्रिष्टि बच्चे रो रहे ने, मैं उन्हां नूं वेख के आउंदी। मेरी धी नूं इदां जमीन ते लटांदी, वो भी एक गरीब बच्ची दे नाल।
दी है एदी जगह इस जमीन ते नहीं बल्कि मखमल दे गद्दे आते है आज तो बाद ना मेरी तीन इधर जमीन ते लिटाने दी हिम्मत भी ना करना नहीं तो मुझको बुरा कोई नहीं होएगा नीलम प्लीज शांत हो जा प्लीज इत्थे कोई होर नवा तमाशा क्रिएट ना कर इन्नी चंगी पूजा हुई है सब इन्ना शांत फील कर रहे ने तू चल कर चलिए सहदेव जी मैं तुहानू भी दस रही हां मैनू अनिका दी दोस्ती ना इस गरीब कुड़ी नाल बिल्कुल नहीं चाहिए है अनिका नू सहदेव ने मेरे तो दूर किया है तो ये बारे च नीलम नू जरूर पता होगा इस करके वह गल गल ते मैनू हमेशा ताने मारती है ताकि मैं अपनी धी दे नेड़े ना जा सका खैर हुण इन्हां सारे सवालों के जवाब सहदेव तो ही मिलणगे जरूर कोई तो गल है ताई ने उस पेंडेंट दे बिल चो बाहर आने तो बाद इतना गवाची गवाची जाई है एक गल दस नाग देवता दे बिल चो बाहर आने तो बाद तेनु उस नागमणी ना की पता लग गया तिवास जी सहदेव ते बहुत भरोसा करते जे मैं हुणे तिवास जी नूं सब कुछ दस दिता ना तां उह बिना सबूत तो मेरी गल ते भरोसा नहीं करनगे पहला मैं सहदेव जी दे नाल गल करदी हां एक वार जे उह अपनी गलती मान लैण फिर मैं आप तिवास जी नूं सबूत नाल दसांगी दसना मैं की पता लग्या तिवास जी हजे गल्लां दसण दा सही समां नहीं है सही समें दा इंतजार करो नैन तैनूं मेरे ते भरोसा नहीं है दस देना कल भरोसे की तो है ही नहीं देवंशी थोड़ा सबर करो सही समान से सब कुछ अपने आप दस दांगे मेरे बच्चे नू मेरे तो दूर क्यों किया सहदेव जी तुहानू मैं अपना भरा मनिया किन्नी बार अपनी जान नू जोखिम दे विच पा के मैं तुहाडी जान बचाई पैर पैर ते तुहाडे इस घर दे विच साथ दित्ता पर तुहानू कदे अपना दियो नहीं अपना छोटा भरा मनिया फिर भी तुसी मैनू इन्ना वड्डा धोखा दित्ता क्यों जवाब दो मैनू जवाब चाहिए सहदेव जी चुप्पी नहीं क्यों किया तुसी मेरे नाल ऐसा एक मां नूं उहदे बच्चे तो वक्त क्यों किया मेरे तो गलती हुई है ये सच है अनिका नीलम भी नहीं थोड़ी थी मतलब अनिका ही ममता माँ का पुनर्जन्म है मैं मानता मेरे तो गलती हुई है भी मैं सच कह रही हर दिन हर रात इस चीज का मैनू पछतावा है भाभी प्लीज मैनू माफ कर दो प्लीज भाभी प्लीज मैनू माफ कर दो जानता मेरी गलती माफी दे लायक नहीं है
मेरे खुल सच्ची कोई होर चॉइस नहीं सी। सैनिका मेरी बच्ची, तो फिर नीलम का बच्चा कितने? आखिर अजिहा की होया? जरा थानू मेरा बच्चा चोरी करके नीलम नू देना पिया। जवाब दो, मैं कह रही हूँ जवाब दो। तोड़े के हाथ जोड़ मैं पाबी, मेरे तो होर सवाल ना पूछो, मैं तोड़े होर सवालों का जवाब नहीं दे सकता। हिम्मत नैना देवी जी, थोड़ा लख लख शुक्र, तुसी मैनू मेरी बच्ची नाल मिला दिता। मतलब उस दिन ठीठा मम्मी जी की साड़ी अग अनिका करके लगी सी, तो बिजली का झटका भी कि अनिका इतना कर सकती है। कर ही सकती है क्योंकि ये तो ममता माधव पुनर्जन्म है। पर मैं एक बार फिर भी गुरु जी के गल करनी चाहिए। महाराज मैं बहुत खुश हूं कि हुण थानू मुक्ति मिल के रहेगी। थानू मुक्ति देने दे विच नया निका की मदद करांगी। देखो ना मां, नैनी किन्नी पागल सी, किन्ने दिनों तो तुसी मेरे सामने सी, मेरी अखां दे अग्गे सी, पर मैं थोनू पछाण ही ना सकी। पर हुण मैं जान गई कि अनिका ही थोड़ा दूसरा रूप है। मेरी खुशी का तो कोई पार तार ही नहीं। जिन्नी मैं खुश हाँ, थोनू बयान करन दे लई मेरे कोल शब्द भी नहीं। कल सवेर होंगे मैं मेरी थी अनिका, असि परमात्मा का आशीर्वाद लैन ही पहला मंदिर जावांगे। फिर मंदिर आने तो बाद मैं घर आके सब नू दस दांगी कि अनिका ही मेरी थी है, फिर थोड़ा पुनर्जन्म। हाँ बोल पंपी। दीदी जी, मैं नयन हुने हुने ना अनिका दे नाल मंदिर जांदे हुए देखे। ताही नीलम ने सारा घर सिर ते चुक्या होया है। ए नयन इन्नी सवेरे सवेरे अगे ते कदी मंदिर गई नी? मेनू लगदा दाल च पक्का कुछ काला है। दाल च कुछ काला कूला नहीं है नयन। वैसे अनिका नू अपने नाल मंदिर लै गई होनी है। सब नू ता पता है कि अनिका नू अपनी धी वांग समझदी है। मत्था टकाण लै गई होनी है मंदिर। ते नीलम नू लग रहा होना ओदी धी नू कोई चुक के लै गया। पंपी, इस मौके दा फायदा असी अपने लिए चुक सकदे हां। ओ किद्दां दीदी जी? मैं हुणे जाके नीलम दे कन्न च ए फूक मार दी हां कि नयन ओदी धी नू लै के घरों भज गई है। तू वेखी फिर नीलम किवें घर च स्यापा पाउंदी है। दीदी जी, फिर तां बड़ा ही मजा आएगा। हां पंपी, तू बस न्यान ते नजर रख, ते मैं एथे नीलम दा तमाशा शुरू करवानी आ। की कर रही है तू? तेरा दिमाग तो ठीक है? नहीं सहदेव जी, मैं अपनी धी दे बगैर एक पल भी नहीं जी सकती। ते ओ नैन दीदी मेरी बच्ची नू लेके भज गए। जे मैनू मेरी बच्ची ना ना मिली मैं तां मर ही जावांगी। सहदेव जी छड्डो मैनू। नीलम पागल ना बन, गल सुन मेरी।
मैं छोड़ दिया जयदेव जी, तुहानू तो यही लगता है कि मैं एक चंगी मां नहीं हाँ। मैनू अपनी बच्ची की कोई फिक्र नहीं है, मैं ओदी कोई परवाह नहीं करती है ना। पर ऐसा नहीं है जयदेव जी, मैं अपनी अनिका नू अपनी जान तो भी वध प्यार करती हाँ। तुहानू पता है ओदे बगैर एक पल रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। जे मैनू मेरी तीन आना मिली तो मेरे जीन का क्या मतलब जयदेव जी? हुण मेरे जीण दा कोई मतलब नहीं है सहदेव जी, छड़ दो। नीलम मेरी गल सुन, गल सुन। शांत हो जा, मैं निका नूं घर वापस लेके आवां, पर तू मेरे नाल वादा कर तू अपने आप नूं कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वादा कर, जब तक नैन पापी ते अनिका घर वापस नहीं आ जाते तू इदां दा कोई पागलपन नहीं करेंगी। तैनूं मेरी ते अनिका दी सौं। मेरा प्लान काम कर गया। ठीक है सहदेव जी, मैं अपने आप में कोई नुकसान नहीं बचाऊंगी, पर तुम मेरी तीनों घर वापस लेके आ जाओ, जाओ छेती। ते जब तक तुम अपनी घर वापस नहीं लेके आ जाते उदो तक मैं इतने ही खड़ी हूँ। नीलम पागल ना बन, थले जाके आराम ना बैठ। मैं तेन कहा ना मैं अनिका लेके आवांगा। नहीं सहदेव जी, मैं कह रही हूँ ना, जब तक तुम अनिका घर वापस लेके नहीं आ जाते उदो तक मैं इतने ही खड़ी रहूंगी। जाओ ते घर होर हानी तेनू ले बगैर करो वापस ना आना। मैनू कुछ भी करके अनिका नू घर वापस लियाना ही पेगा। किदा पागल बनाया मैं इन्हां सब नू, इन्हां नू तां यही लग रहा है कि मैं इत्थों सच्ची छाल मार दांगी। हाँ नीलम, कदों तक इत्थे इदां ही खड़ी रहेंगी? जब तक सहदेव जी मेरी तीनू लेके घर वापस नहीं आ जाते उदों तक मैं इत्थों कित्थे भी नहीं जाण वाली। वैसे नैन नू नीलम दी धी नूं इस तरह जबरदस्ती चुक के भजना नहीं सी चाहीदा। अगर नैन अनिका नू लैके ही जाना चाहती सी तां नीलम और सहदेव तो पुछ के भी तां लैके जा सकती सी। नीलम मैनू तेरे नाल हमदर्दी है, अगर मेरे नाल इस तरह कुछ होया हुंदा ना तां मैनू भी इस तरह ही फील होना सी जिवें हुण तैनू हो रहा है। मेरी तिजोरी दी चाबी।